काजू के ऑफिशियल ने हीरोज का क्लासिफिकेशन किया है एसएस ग्रेड, एस ग्रेड, ए बी और सी और डी ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ विन रेट, पिक रेट और बैन रेट। तो आज हम वेरीफाई करने वाले हैं कि क्या ये हीरोज डी ग्रेड में डिजर्व करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम कोयले की खान से हीरा निकालने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो डी ग्रेड में अपना पहला हीरो है ग्रॉक। ग्रॉक एज अ टैंक ठीक ठाक हीरो है। इसकी यूनिक बात यह है कि ये वॉल खड़ी कर सकता है। वैसे तो इसकी सीसी स्किल्स बढ़िया है पर इन स्किल्स को यूज करना काफी मुश्किल है और तो और ये स्किल्स हर सिचुएशन में काम नहीं आती। कभी कभी एकदम बढ़िया वर्क करते हैं और कभी कभी एकदम खराब। और इससे खेलने के लिए हमेशा आपको वॉल के बगल में ही रहना पड़ता है अगर आपको एक्स्ट्रा डिफेंस और सीसी इम्यूनिटी चाहिए तो। और भले ही ये फाइटर टैंक है पर इसको फाइटर की तरह कोई यूज नहीं करता। और अगर आप गलती कर देते हो कि इसको असेसिन की तरह यूज करने की तो टीम फाइट में तुम्हारा कोई यूज नहीं, बिल्कुल जीरो यूज। इन्हीं कुछ रीजन की वजह से मुझे लगता है कि ये डी ग्रेड में तो नहीं पर सी ग्रेड में होना डिजर्व करता है। और नेक्स्ट हीरो है बैलमंड। ये देख के तो मुझे भी शौक लगा कि ये डी ग्रेड में कैसे है। ये तो कम से कम एस ग्रेड में डिजर्व करता है और इसका मेन कारण है इसकी सेकंड स्किल जिसको रिसेंटली ही बफ मिला था। और उसी की वजह से आप स्क्वशी हीरोज को तो अल्टीमेट के बिना ही मार सकते हो। और अगर आपके सामने टैंकी हीरो है तो आपके पास अल्टीमेट तो है ही। और सबसे बढ़िया चीज इसकी सेकंड स्किल अनस्टॉपेबल है, क्राउड कंट्रोल होने के बाद भी चलती ही रहती है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से इसको काउंटर करना काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर आप मेरा बिल्ड यूज करोगे तो आप सोलो कैरी कर सकते हो। ये रहा वो इंसियन बिल्ड। इससे आपको स्पेल बैम मिलता है, कंटिन्यूस टू डैमेज मिलता है, एंटी लाइफ स्टील मिलती है और पैसिव को भी एनहांस करता है। लास्ट आइटम आपको एनिमे के अकॉर्डिंग लेना है पर बाकी सारे आइटम तो परमानेंट है। और अगर मैं बात करूँ एम्बलम्स के बारे में तो एम्बलम्स में आपको किलिंग स्प्री तो लेना ही है और इस सबसे लगभग लगभग 2 से 3 हज़ार हेल्थ बढ़ती है जब भी आप एनिमे को मारते हो। अब इतनी ज़्यादा हीलिंग होगी तो मरना तो मुश्किल हो ही जाएगा। और एक टिप मैं आपको देता हूँ कि आपको हमेशा टैंकी हीरो को पहले मारना है जिससे कि आपको बाकी के हीरो के लिए अल्टीमेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सेकंड स्किल से ही आप मार सकते हो। पर टैंक या फिर टैंकी फाइटर के लिए तो आपको अल्टीमेट की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हीरो है लैंसलॉट। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट हीरो है पर ये एक्चुअली डिग्रेड में डिजर्व करता है। अब मैं ऐसे हवा हवा में नहीं बोल रहा। इसका मेन प्रॉब्लम है कि इसको मार्क्समैन को मारने के लिए भी अपने पैसे को स्टैकअप करना पड़ता है। एटलीस्ट 2 स्टैक तो होनी ही चाहिए नहीं तो मार्क्समैन को मार ही नहीं पाता। विदाउट अल्टीमेट बात कर रहा हूँ मैं, विदाउट अल्टीमेट। और आपको तो पता ही है कि इसको खेलने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स लगते हैं और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा लगती है। और इतना सब करने के बाद भी मार्क्समैन भी ना मरे तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है। और तो और प्लस की अल्टीमेट को भी रोका जा सकता है सीसी स्किल्स से। और अगर मार्क्समैन के पास डैश स्किल हो तो अल्टीमेट को डॉज भी किया जा सकता है। और आपको तो पता है दोनों में से एक चीज़ तो होती ही है हर हीरो के पास। और चलो ये दोनों चीज़ भी ना है तो उनके पास होती है इमोबिलिटी तो स्किल्स यूज ही नहीं कर सकते। और यही कुछ रीजन है कि कोई भी लैंसर को यूज ही नहीं करता। और अगर यूज करते भी है तो उनके पास टीम अच्छी होती है या फिर सामने वाले प्लेयर मूव होते हैं। इसकी जगह लोग फ्यूजन को प्रेफर करते हैं क्योंकि डैमेज भी ज़्यादा है और चीज़ भी बड़े आराम से कर सकते हो। और डी ग्रेड की लिस्ट में अगला हीरो है ग्यूनिवर। और शायद ग्यूनिवर के साथ काजू के ऑफिशियल की पर्सनल दुश्मनी है, दो बार डाला है। अगर मैं सच बोलूं तो वो भी उधर ही डिजर्व करती थी पर रिसेंट अपडेट में जो इसमें रेंज जिसकी इंक्रीज हुई है सेकंड स्किल की अब भी काफी बेटर है। ये अब एस या फिर ए ग्रेड में तो आराम से जा सकती है क्योंकि इसके कॉम्बो काफी खतरनाक है और डैमेज इतना ज्यादा है कि बड़े आराम से वन शॉट कर देती है। अगर वन शॉट से बचना है तो मैजिक डिफेंस लेना ही पड़ता है और इसी वजह से ये हाइपर के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि आप एक ही कॉम्बो में बड़े आराम से फिनिश कर सकते हो। और अगर सामने वाला मैजिक डिफेंस लेता भी है तो आपको लेना है मैजिक पेनेट्रेशन। स्क्वशी हीरो तो बच ही नहीं सकते कुछ भी कर लो अनलेस उनके पास प्यूरीफाई हो। हाँ तो ये चीज़ याद रखना, प्यूरीफाई से बच के रहना और उन सारे हीरो से बच के रहना जिनके पास इसी इम्यूनिटी की स्किल्स हैं या फिर डीबफ को रिमूव करने की स्किल्स हैं। बेस्ट ऑप्शन ये है कि उनको बैन ही कर दो, खासकर मार्क्समैन जैसे कि मिया और वानवान। और नेक्स्ट हीरो है एस्टिस। एस्टिस डिग्रेड भी क्यों है भाई, ये इतना खतरनाक, इसकी हीलिंग इतनी खतरनाक है, मरता ही नहीं और अपने टीममेट को भी मरने नहीं देता। इसको मैं डिग्रेड में तो मार ही नहीं सकता, इसको है ना एक्स ग्रेड में हो जाए एस। इसकी हीलिंग बहुत ही खतरनाक है, 5 जन एक साथ आएंगे ना सबको हील करते रहता है। एंटी हील लो तब भी बहुत ही हीलिंग है इसकी, कम नहीं है हीलिंग। नेक्स्ट हीरो है लापू लापू। ये हीरो भी थोड़ा बहुत एवरेज में ही आता है। इसकी मेन दिक्कत है कि इसके स्किल्स का एरिया बहुत ही कम है और तो और स्किल्स स्लो भी हैं और उसके साथ साथ इसकी अल्टीमेट तो अनकंट्रोलेबल है, मतलब कहीं भी चला जाता है। इन्हीं कुछ रीजन की वजह से लापू लापू की स्किल को डॉच करना काफी आसान हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं इसको हल्के में ले लो क्योंकि लापू लापू को वही यूज करता है जिसके पास अच्छी प्रैक्टिस हो, तो स्किल लापू लापू आपके नाक में दम जरूर कर सकता है और ये है उसके लिए प्रो बिल्ड। और इसके बाद नेक्स्ट हीरो है काजा। काजा एक सपोर्ट हीरो है और न जाने की फाइटर क्यों है, क्या हिसाब से इसको फाइटर रखा है। इसके पास भी फ्रैंको की तरह सप्रेस करने की स्किल है और इसको अपने स्किल यूज करने के लिए बहुत ही अंदर जाना पड़ता है टीम फाइट में और टीम फाइट में जाते जाते ही मर जाता है। इसकी स्किल्स काफी यूनिक और मजेदार है और एज कम्पेयर टू अदर रोमर्स इसकी रोमिंग स्किल काफी वीक है और इस पर मैजिक बिल्ड यूज करने की कोशिश भी मत करना क्योंकि काफी खराब परफॉर्मेंस है इसका। इस लिस्ट में नेक्स्ट हीरो है लियोमोल्ड। अगर सच बताऊं तो लियोमोल्ड खराब हीरो नहीं है, अच्छा हीरो, पर इसका मेन प्रॉब्लम है कि टीम फाइट में इसका कोई फायदा ही नहीं होता।
तो इसी वजह से ये अर्ली गेम में अच्छा है डोमिनेट करने के लिए, पर लेट गेम में इससे खेलना काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। पर स्टिल आप लेट गेम में 1v1 तो आप बड़े आराम से ले सकते हो। और इसकी और एक प्रॉब्लम है कि अल्टीमेट के बिना ये काफी वीक है, मतलब आर्गस की तरह, और उसमें भी आपने अगर अल्टीमेट को मिस कर दिया तो आपका काम खत्म। तो आप ल्यू मार्क को यूज कर सकते हो अगर आपके पास अच्छी टीम है तो ही, सोलो रैंक में तो बिल्कुल मत लेना। और उसके बाद अगला है यूरेनस। ये हीरो भी इतना बुरा नहीं है, इसका डैमेज भी अच्छा है और सस्टेन भी काफ़ी अच्छा है, तो ये तो डीग्रेड में थोड़ा बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। पर इसका मेन प्रॉब्लम है कि इसको आप सिचुएशन के हिसाब से बदल नहीं सकते, मतलब मैं बिल्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्ड से इसके डैमेज में कोई इंपैक्ट नहीं होता, तो आपको कंपलसरी डिफेंसिव आइटम ही बाय करने पड़ते हैं। और इसी प्रॉब्लम में इसके पास मोबिलिटी बहुत ही कम है, मतलब एक ही जंप की स्किल है जिसका कूलडाउन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है और रेंज भी बहुत ही कम है। तो इसी वजह से जिन जिन हीरो के पास बहुत ज़्यादा मूवमेंट है या फिर बहुत ज़्यादा डैश की स्किल्स है, वो यूरेनस को बड़े आराम से हरा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हीरो है ग्यूजेन। वैसे तो ग्यूजेन को यहाँ पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका डैमेज इतना ज़्यादा है कि लेट गेम में मार्क्समैन को बड़े आराम से हरा देता है, जबकि बाकी असैसिन्स लेट गेम में मार्क्समैन को मारने में बहुत दिक्कत देते हैं। तो इसी वजह से ये हीरो तो एस ग्रेड में तो होना ही चाहिए। पर इसके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब है, जब भी मैं ग्यूजेन यूज़ करता हूँ तब मुझे 3 तो मिल जाते हैं, पर मेरे साथ हमेशा टीम इतनी नुबड़ी आती है कि गेम जीतते ही नहीं, पता नहीं क्या होता है। तो इसी वजह से मेरे किल्स तो होते हैं 10 के ऊपर, पर विन रेट एकदम कम है, कुछ अराउंड 30 के आसपास तो विन रेट है मेरा। इसके बाद नेक्स्ट हीरो है पकीतो। पकीतो भी काफ़ी अच्छा हीरो है, पर इसको यूज़ करने के लिए काफ़ी स्किल की ज़रूरत पड़ती है, और मेन चीज़ कॉम्बो चलाने आना चाहिए। तो वैसे तो हीरो ये बढ़िया है, पर ये 1v1 के लिए बढ़िया है, और उसमें भी और एक दिक्कत है कि इसके पास मोबिलिटी भी बहुत कम है, तो आपको कैंपिंग ही करनी पड़ती है। तो इसको बी या फिर सी ग्रेड में हो जाएगा, क्योंकि इतना भी ख़राब नहीं है ये। नेक्स्ट हीरो है किमी द मैजिक मार्क्समैन। ये हीरो पहले स्किल के कैटेगरी में जाता था, क्योंकि इसको यूज़ करने स्किल लगती थी, क्योंकि बेसिक अटैक के लिए कोई मार्कर नहीं था, पर अब मार्कर आ चुका है तो इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी हो चुका है। इसका भी डैमेज काफ़ी अच्छा है, पर सर्वाइबिलिटी और मोबिलिटी दोनों भी बहुत ही कम है, तो इसी वजह से इसको कोई यूज़ नहीं करता। पर ये इतने भी ख़राब नहीं है कि इसको हम डी ग्रेड में डालें, मैं कम से कम इसको बी ग्रेड में तो डालूंगा ही, क्योंकि इसका डैमेज ही उतना है, और कुछ भी नहीं कर पाए तो आप अल्टीमेट तो कर ही सकते हो, अल्टीमेट का डैमेज 2000 तक जाता है, और तो अल्टीमेट कूलडाउन भी बहुत ही कम है, मतलब आप अल्टीमेट को पोकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट हीरो है जॉहेड। तो ये हीरो भी एक्सट्रीमली गुड इन 1v1, बट टीम फायर में मार खाता है, और 1v1 में भी इसे आप बड़े आराम से बच सकते हो, आइदर विंडो ऑफ नेचर लेके या फिर विंटर क्राउन लेके, क्योंकि जब भी अल्टीमेट यूज़ करता था वो अपने ऊपर मार खाता है, तो आप आसानी से विंडो ऑफ नेचर या फिर विंटर क्राउन को यूज़ कर सकते हो, और क्योंकि इसको काउंटर करना काफ़ी ईजी हो चुका है तो हम इसे डी ग्रेड में ही डालेंगे। और इसके बाद अगला हीरो है एक्सबॉर्ग। इसकी यूनिक बात यह है कि इसकी हेल्थ, पर यही यूनिक बात इसके लिए डिसएडवांटेज भी है, पर दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है। इसको आपको हाई बर्स्ट डैमेज जैसे कि डिरोथ या फिर जिलोंग या फिर हाई मोबिलिटी जैसे कि बेनेडेटा, इनके सामने बिल्कुल भी यूज मत करना, क्योंकि इनके लिए काफी काम सिंपल है, इनको सिर्फ आपकी आर्मर की हेल्थ को उड़ा देना है, और उसके बाद आपकी हेल्थ को लिमिट लग जाती है तो मारना काफी आसान हो जाता है। तो हम एक्सबॉक्स को यूज़ कहाँ करें? एक्सबॉक्स तभी बेस्ट है जब आपके सामने स्लो और टैंकी हीरो हो, जैसे कि टेरिजला, रूबी, मिन सितार, क्योंकि आपके पैसिव में ट्रू डैमेज है तो आप इनको बड़े आराम से मार सकते हो, और क्योंकि ये डैमेज देने में काफ़ी स्लो होते हैं तो आपकी आर्मर की हेल्थ जल्दी से जाएगी नहीं, और अगर जाती भी है तो आप जल्दी से रिकवर भी कर सकते हो स्पेल वैम से। तो इससे आपको सिर्फ पोकिंग ही करना है और टेम्परेचर उनका पूरा हाई रखना है ताकि आप ट्रू डैमेज दे पाओ, और जब उनकी हेल्थ 5000-4000 तक आ जाए तो आपको अल्टीमेट यूज़ करनी है और अल्टीमेट से फिनिश ऑफ कर देना है। तो ये हीरो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, तो इसको हम ए या फिर बी ग्रेड में तो डाल ही सकते हैं, और ये है एक्सबॉक्स के लिए बिल्ड और एमब्लेम। इसके बाद अपना नेक्स्ट हीरो है लाइफ स्टील का दुश्मन बैक्सिया। ये एक टैंक है, उसके स्किल्स में एंटी लाइफ स्टील है, पर ना ही इसके पास कोई अच्छी खासी सीसी स्किल्स है और ना ही सर्वाइबिलिटी, तो इसी वजह से टीम फाइट में इसका एकदम ना के बराबर यूज होता है। तो इसी वजह से लोग इसको एज ए जंगलर यूज करते हैं। एज ए जंगलर भी कुछ इतना कुछ खास नहीं है, मतलब बाकी के जंगलर से कंपेयर किया जाए तो बाकी के जंगलर के पास होती है अच्छी खासी मोबिलिटी, तो मोबिलिटी इतनी कम होने की वजह से ये बैटल में एंटर तो कर लेता है पर भाग नहीं पाता। इन शॉर्ट इसकी सिचुएशन अभिमन्यु की तरह हो जाती है, और इन्हीं सब कारण की वजह से ये डी ग्रेड में होना तो डिजर्व करता ही है। और आपको क्या लगता है इसको किस लिस्ट में होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। ओके। और इसके बाद अपना नेक्स्ट हीरो है माशा। ये और एक ऐसा हीरो जो 1v1 में एकदम बेस्ट है पर टीम फाइट में मार खाता है, और यूजोन के लिए तो बेस्ट काउंटर है। ये 1v1 में बेस्ट होते हुए भी इसको हराना काफी आसान है। इसको हराने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको डैमेज देना है और भाग देना है, डैमेज देना और भाग देना है, और ऐसा करके इसकी एचपी बार को 2 या फिर 1 पे ला देना है, क्योंकि इसका इतना हाई डैमेज होने का कारण है इसकी एचपी बार्स। तो अगर आप उन्हीं को खत्म कर दोगे तो इसको बड़े आराम से हरा सकते हो, और ये है माशा के लिए बिल्ड और एम्ब्लेम। अगर मैं बात करूँ इसकी ग्रेड लिस्ट की तो इसको होना चाहिए बी ग्रेड लिस्ट में। और अपना नेक्स्ट हीरो है वी। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं मुझे भी पता नहीं, पर समझ लेना, ये एक मेज है और इसकी स्किल्स भी थोड़ी यूज करने के लिए हार्ड है, और अल्टीमेट तो सबसे बेकार है। अल्टीमेट में ये एक ही जगह खड़ी होती है, ये एक मेज है और एक ही जगह खड़ी हो जाती है, और उसके बाद भी अल्टीमेट को यूज़ करना इतना मुश्किल है कि समझ ही नहीं आता डैमेज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, और ना ही ये बस डैमेज दे दे या फिर सीसी स्किल्स है, और मेज के पास तो दोनों में से एक तो होना ही चाहिए, और दोनों भी नहीं है तो इसका यूज़ कोई करता ही नहीं।
तो ये तो डी ग्रेड में होना डिजर्व करती है। और अगर फिर भी आप यूज करना चाहते हो तो इसके लिए है बिल्ड और एमलेम। इसके बाद अपना नेक्स्ट हीरो है बैरेट्स। ये डी ग्रेड में होना इतना बुरा हीरो नहीं है, या एवरेज हीरो है। अर्ली और मिड गेम में आप डोमिनेट कर सकते हो इससे अगर अच्छे से यूज करना आता हो तो इसको कम से कम ए ग्रेड में तो होना ही चाहिए क्योंकि ये लॉन्गर फाइट में काफी अच्छा है। और ये है इसके लिए बिल्ड और एमलेम। और इसके बाद अपने लिस्ट का लास्ट बट नॉट द लीस्ट हीरो ब्लू। ये भी काफी अच्छा हीरो है, इतना बुरा हीरो नहीं है। ये अपनी स्किल से एनिमे की मूवमेंट एकदम बहुत ही कम कर देता है और इसकी स्किल्स का भी डैमेज काफी अच्छा खासा है। और अल्टीमेट से तो चिपक जाता है, उससे तो डैमेज और ज्यादा होता है। तो ये है ग्लू के लिए बिल्ड और एम्ब्लेम। और इसको मैं डालना चाहूंगा सी ग्रेड में। और इस तरह से अपनी सबसे बुरे हीरोज की लिस्ट खत्म हो चुकी है। और इसमें मैंने आपको बताया कौन से हीरो अच्छे हैं और कौन से हीरो बुरे हैं, पर मैंने बताया तो मैंने ओवरऑल सारे हीरोज को कंसिडरेशन में लेके बताया है। तो इसी वजह से कौन सा हीरो अच्छा है कौन सा हीरो बुरा, ये अपने पर्सनल स्किल्स और उस हीरो का नॉलेज और अपनी टीम, इन सब पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि आप मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करते हो, और अगर आपका कोई अलग ओपिनियन है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर पढ़ूंगा। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।